देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शनिवार की शाम जब मेरी छुट्टी हुई तो वक्त हो रहा था 4:30 बजे का। वैसे आमतौर पर 6:30 बजे के बाद ही हम लोग काम से छूट पाते हैं, मगर शनिवार के दिन आम दिनों के मुकाबले कम काम रहता है, जिस वजह से जल्दी छुट्टी हो जाती है। उस शाम 4:30 बजे जब मैं घर के लिए निकला तो रास्ते में एक पुराने मित्र से मुलाकात हो गई जो पिछली कंपनी में काम करता था। मैं उसके साथ बात करने में यूं मसरूफ हुआ कि वहीं चाय की दुकान पर ही कब 4:30 से 8 बज गए मुझे पता ही नहीं चला, मगर हमारी बातें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। और फिर जब चाय वाले ने कहा अब दुकान बंद करने का समय हो गया भैया, तब जाकर हमें भी लगा कि अब चलना चाहिए। वैसे भी अब काफी रात हो गई थी। मेरा दोस्त तो उसी वक्त बस पकड़कर अपने घर के लिए निकल गया और मैं भी अपनी बस के आने का वेट करने लगा। कुछ देर के इंतजार के बाद मेरी भी बस आ गई और मैं भी बस में बैठ गया। बस में बैठने के बाद जब मैंने अपने बगल में बैठे सज्जन से वक्त पूछा तो पता चला कि अब रात के 11:30 हो चुके हैं। फिर लगभग 15 मिनट के बाद बस एक जगह रुक गई। बस के कुछ देर रुकने के बाद बस वाले ने कहा यह बस अब आगे नहीं जाएगी, मगर 20 मिनट के बाद हमारी दूसरी बस पीछे से आने वाली है, तो आप लोग चाहें तो उसमें जा सकते हैं। ये बोलकर बस ड्राइवर बस से नीचे उतरकर घूमने लगा। रात का वक्त होने के कारण पहले तो कोई बस से नीचे नहीं उतरा, मगर कुछ देर बाद धीरे धीरे करके सवारियां बस से उतरकर जाने लगी थीं। सवारियों को बस से उतरता देख मुझे भी लगा कि मैं भी उतर जाता हूँ, 20 मिनट में तो मैं पैदल ही घर पहुंच जाऊंगा। बस से उतरने के बाद जब मैं सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर से जा रहा था तो पीछे से किसी डंपर की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे भी पलटकर देखा, मगर पीछे डंपर तो क्या, कोई गाड़ी भी नहीं थी उस वक्त। खैर मैं फुटपाथ पर आगे बढ़ता रहा। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कुछ लोगों की चीखें सुनाई दी। उन चीखों को सुनते ही जब मैंने सामने की ओर देखा तो पाया कि एक डंपर बड़ी ही तेज रफ्तार में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलता हुआ आगे निकल गया। जब मैं उन लोगों के पास पहुंचा तो चारों तरफ खूनी खून फैला हुआ था। वो करीब 8 से 10 लोग थे, जिनमें से कुछ लोग अभी भी तड़प रहे थे। मैं वो खौफनाक दृश्य देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर गया। मेरा मन अब विचलित हो गया था और मैं तुरंत ही वहां से भागने लगा। जब मैं वहां से भाग रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई और भी दौड़ रहा है। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वही लोग मेरे पीछे चीखते चिल्लाते हुए पूरे आक्रोश में मेरी ओर भागते हुए आ रहे थे। मैंने उन्हें देखते ही और तेज भागना शुरू कर दिया। कुछ आगे जाते ही मुझे वो डंपर फिर से दिखा जो अब एक पेड़ से टकराया हुआ था, और उस डंपर का ड्राइवर डंपर से उतरकर अपना सर पकड़े नीचे बैठा हुआ था। मैं उसे देखते हुए बिना रुके ही भागता ही रहा। जब मैं उस डंपर ड्राइवर से कुछ दूर निकल आया तो मुझे फिर से एक चीख सुनाई दी। जब पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो सभी लोग उस डंपर ड्राइवर को नोच रहे हैं। मैं तो उस वक्त बिना सोचे भागता रहा और सीधे घर आकर ही दम लिया। बाद में पता चला कि कुछ दिनों पहले ही उस फुटपाथ पर एक डंपर वाले ने कुछ लोगों को कुचल दिया था और डंपर वाले की लाश संदिग्ध अवस्था में कुछ दूरी पर मिली थी। और ऐसे ही कभी कभार ये दृश्य आने जाने वाले लोगों को उस फुटपाथ पर दिख जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।